प्रोसिक्यूशन एविडेंस में से क्या खराब किया जाए कि वह आपके खिलाफ कुछ भी साबित ना कर पाए? प्रोसिक्यूशन विटनेसेस की गवाही के किस भाग को दूषित किया जाए कि वह आरोपी के खिलाफ बेकार हो जाए, भोथड़ी हो जाए? आपका केस मैनेजमेंट किस भाग पर जोर दे कि प्रोसिक्यूशन अपने आप ही नष्ट हो जाए? इस बात को हम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइडेड केसेस की सहायता से समझें तो अधिक आसानी होती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के केसेस कानून की अंतिम मानक व्याख्या देते हैं। आज की जानकारी के लिए सुप्रीम कोर्ट के इस महत्वपूर्ण फैसले से हम जो बातें सीखने वाले हैं वे इस तरह से हैं। पहली बात है, किन गवाहों की गवाही को स्वीकार करने के लिए कोरोबोरेशन या पुष्टि की जरूरत होती है। कोरोबोरेशन या पुष्टि का अर्थ है कि किसी गवाही पर यकीन करने के लिए उसे किसी बाहरी सपोर्ट की जरूरत है या नहीं है। यह बाहरी सपोर्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई गवाही तभी समझ में आएगी यदि दूसरे गवाह ने उस जैसी ही गवाही दी हो, या किसी मेडिकल रिपोर्ट ने उसको सपोर्ट किया हो, या किसी सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज है उसने उसको सपोर्ट किया हो, या टेलीफोन का सीडीआर उसके सपोर्ट में आया हो। तो बाहरी सपोर्ट जिन जिन केसेस की आवश्यकता होती है उसे कोरोबोरेशन कहते हैं। दूसरा पॉइंट जो हम आज समझने वाले हैं इस केस से, वह यह है कि किन गवाहों की गवाही को स्वीकार करने के लिए किसी बाहरी कोरोबोरेशन की या पुष्टि की जरूरत नहीं होती है। तीसरा पॉइंट जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया है, ट्रायल के दौरान किसी तथ्य को, फैक्ट को प्रूव करने के लिए कितने गवाहों की जरूरत होती है। इस संबंध में कोर्ट ने सेक्शन 134 इंडियन एविडेंस एक्ट पर भी निर्णय दिया है, तो यह इसका चौथा पॉइंट हो जाएगा। और जो सबसे बड़ी बात जो कोर्ट ने बताई है, वह बताई थी सेक्शन 34 आईपीसी के बारे में। सेक्शन 34 आईपीसी को आप अनेक केसेस में लगा हुआ देखते हैं और यह देखते हैं कि इसके लगने से एक का काम सभी के ऊपर जिम्मेदारी आयद कर देता है। तो आपको यह जानना है कि सेक्शन 34 क्या होता है, इसका ट्रायल पर क्या प्रभाव पड़ता है, और बिना कुछ किए भी कोई व्यक्ति कैसे दूसरे के जुर्म का भागीदार हो जाता है। इस केस का नाम है शिशपाल एलियस शिशु वर्सेज द स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली, क्रिमिनल अपील नंबर 1053/2015। केस अभी अप्रैल 2022 में तय हुआ था। इस केस में 10 जनवरी 2010 को रात लगभग 8 बजे के करीब शराब की दुकान पर एक झगड़ा हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। तीन व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया था। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने तीनों आरोपियों को सेक्शन 302 आईपीसी रेड विद सेक्शन 34 आईपीसी में दोषी माना था। जब अपील की गई तो दिल्ली हाई कोर्ट ने वह सजा बरकरार रखी थी। अब इस वर्तमान अपील में मारो मारो का आह्वान करने वाला, यानी कि जिस व्यक्ति ने एग्जोर्ट किया था, वह शामिल है, वह इसमें अपेलेंट है, और जो मृतक को पकड़ने वाला था वह भी इसमें दूसरा अपेलेंट है। जिस व्यक्ति के ऊपर वार करने का आरोप था वह इस अपील में पार्टी नहीं था सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसकी अपील अन्यत्र दूसरी कोर्ट में चली हुई थी। इंडियन लीगल सिस्टम से सहायता पाने के लिए इसका मेंबर होना जरूरी है। जब आप सामने लिखे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भेजते हो तो तत्काल ही आपको विधि लिखकर भेज दी जाती है, जिसके द्वारा आप हमारे मेंबर बन सकते हैं और हमारी सर्विसेज का लाभ लेते रह सकते हैं। इसलिए केवल व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा ही संपर्क करें। पहले पॉइंट पर बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक बहुत पुराने निर्णय का अनुसरण किया। आप लोगों ने जब एलएलबी को किया तो उस समय इस केस को पढ़ा होगा। केस का नाम है वादीवेलु थेवर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1957 एससीआर 981। इस केस में कोर्ट ने कहा था कि गवाह तीन प्रकार के होते हैं, पूरी तरह से विश्वसनीय या जिनको हम होली रिलायबल कहते हैं, दूसरे गवाह वे होते हैं जो पूरी तरह से अविश्वसनीय होते हैं या होली अनरिलायबल गवाह होते हैं, तीसरे गवाह जो ना पूरी तरह से विश्वसनीय होते हैं और ना पूरी तरह से अविश्वसनीय होते हैं, नाइदर होली रिलायबल नोर होली अनरिलायबल। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि होली रिलायबल विटनेसेस के लिए किसी भी कोरोबोरेशन की आवश्यकता नहीं होती है, उनकी गवाही को जस का तस माना जा सकता है, वे विश्वसनीय गवाह होते हैं। दूसरी ओर ऐसे गवाह होते हैं जो पूरी तरह से अविश्वसनीय होते हैं, उन पर यकीन नहीं हो पाता है, तो जब भी ऐसे गवाहों की गवाही रिकॉर्ड पर आए तो उन्हें दरकिनार कर दिया जाना चाहिए। लेकिन जो गवाह बहुतायत में होते हैं और प्राय एक सामान्य कैटेगरी है, वे गवाह होते हैं जो गवाह न पूरी तरह से विश्वसनीय होते हैं और न पूरी तरह से अविश्वसनीय होते हैं। उनकी बात पर यकीन करने के लिए उनकी बातों की कोरोबोरेशन या पुष्टि होनी आवश्यक है। बिना पुष्टि के उन्हें ग्रहण करने से या तो आरोपी का हित होगा या प्रोसिक्यूशन का हित होगा।
होगा, किसी का अहित हो सकता है और किसी के फेवर में उनकी बात जा सकती है। तो ऐसे गवाह जो ना पूरी तरह से विश्वसनीय होते हैं ना अविश्वसनीय होते हैं, जिनकी हर एक बात को छानबीन करनी होती है, उन गवाहों की बात को मानने के लिए कोर्ट को एक बाहरी सपोर्ट को देखना होता है। उन गवाहों की गवाही के लिए कोरोबोरेशन आवश्यक होती है। यह जरूरी है कि जो बात उन्होंने कही उसकी पुष्टि किसी अन्य सोर्स के द्वारा भी हो रही हो। जिस अगले पॉइंट पर कोर्ट ने निर्णय दिया वह था कि ट्रायल में किसी बात को किसी फैक्ट को प्रूव करने के लिए कितने गवाहों की आवश्यकता होती है। सेक्शन 134 इंडियन एविडेंस एक्ट में स्पष्ट लिखा है कि किसी तथ्य को साबित करने के लिए किसी खास संख्या में गवाहों की जरूरत नहीं होती है। हालांकि इंग्लैंड में वहां की पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कानून यह है कि केवल एक गवाह की गवाही के आधार पर किसी भी आरोपी को दोषी करार नहीं दिया जा सकता है। भारत में यहाँ की संसद ने इस बात पर जोर नहीं दिया है कि कानून के द्वारा गवाहों की संख्या को नियंत्रित किया जाए। सेक्शन 134 इंडियन एविडेंस एक्ट ने एक सामान्य कानून को अपनाया है। भारतीय कानून का मूल मंत्र यह है कि एविडेंस को तोला जाए, गिना ना जाए। भारत की संसद ने इस कानून को माना है कि किसी तथ्य को सिद्ध करने के लिए गवाहों की संख्या निश्चित करने से कानून को लागू करने में बाधा आ सकती है। भारतीय कानून में गवाहों की संख्या की बजाय उनकी क्वालिटी पर अधिक ध्यान दिया गया है। गवाह की क्वालिटी यदि अच्छी है तो उसको स्वीकार कर लिया जाएगा, लेकिन यदि गवाहों की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो चाहे वे एक से अधिक गवाह हो, बहुत गवाह हो, उनकी बात को स्वीकार करने में हमेशा आपत्ति रहेगी। इसी आधार पर गवाहों की 3 श्रेणियां बनाई गई हैं: पूरी तरह से विश्वसनीय गवाह या होली रिलायबल विटनेसेस, पूरी तरह से अविश्वसनीय या होली अनरिलायबल विटनेसेस, और तीसरे प्रकार के गवाह जो आमतौर से सभी गवाह होते हैं, ना पूरी तरह से विश्वसनीय ना पूरी तरह से अविश्वसनीय, नाइदर होली रिलायबल नोर होली अनरिलायबल। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 34 आईपीसी के ऊपर अपना ध्यान दिया। कोर्ट ने सेक्शन 34 आईपीसी के उस प्रारंभिक रूप को देखा जो सीआरपीसी के बनाते समय, जिस समय उसको इनेक्ट किया गया शुरू में, उस समय उसे कानून की किताबों में लिखा गया था। उसके बाद में जब 1973 में अमेंडमेंट हुआ और नया सीआरपीसी प्रचलित हुआ, उस समय इसका जो रूप दिया गया था वह भी सुप्रीम कोर्ट ने देखा। आप देखेंगे दोनों की परिभाषाओं में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। जो पुराना कानून था उसके मुताबिक जब अनेक व्यक्तियों द्वारा कोई आपराधिक कृत्य किया जाए तो उनमें से हर व्यक्ति उस कृत्य के लिए उसी तरह से समान रूप से जिम्मेदार होगा जैसे कि वह उस अकेले के द्वारा किया गया कार्य हो। जबकि आजकल नए सीआरपीसी के मुताबिक जब अनेक व्यक्तियों द्वारा अपने साझा इरादे के साथ, इसमें साझा इरादा जोड़ दिया गया है, अपने साझे इरादे के साथ कोई आपराधिक कृत्य किया जाए तो उनमें से हर व्यक्ति उस कृत्य के लिए उसी तरह से समान रूप से जिम्मेदार होगा जैसे कि वह उस अकेले के द्वारा किया गया हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेक्शन 34 आईपीसी एक व्यक्ति के काम को साझा इरादे वाले पूरे समूह का काम बनाकर इस तरह से एक लीगल फिक्शन तैयार कर देता है। इसे कोर्ट की संतुष्टि होने के लिए साबित करने की पूरी जिम्मेदारी प्रोसिक्यूशन की होती है। इस साक्ष्य या एविडेंस को जो प्रोसिक्यूशन के द्वारा रिकॉर्ड पर लाया जाना है बिल्कुल ठोस होना चाहिए, तथ्यात्मक और सुनिश्चित होना चाहिए। इस एविडेंस को स्पष्ट भी होना चाहिए। जब तक साझा इरादा दिखाने वाला एविडेंस सिद्ध नहीं होगा, सेक्शन 34 आईपीसी का लीगल फिक्शन भी काम करना शुरू नहीं करेगा और एक व्यक्ति के कार्य की जिम्मेदारी पूरे समूह की जिम्मेदारी नहीं बन पाएगी। सामान्यतः जब कोई अपराध शारीरिक रूप से किया जाता है तो सेक्शन 34 आईपीसी लगाने के लिए उस स्थान पर आरोपी की उपस्थिति दिखाई जानी जरूरी है, खासतौर से जहां उकसाने, ललकारने या प्रोत्साहित करने जैसे कामों का आरोप हो। हालांकि कुछ ऐसे हालात भी हो सकते हैं जहां शारीरिक उपस्थिति आवश्यक ना हो, जैसे कोई अपराध जिसमें अलग अलग समय व अलग अलग स्थान पर अलग अलग काम करके कोई अपराध किया गया हो, जैसे फेक करेंसी को छापना। कोई कहीं डिजाइन बनाएगा, कोई कहीं कटिंग करेगा, कोई कहीं से कागज लाएगा और कोई कहीं पर प्रिंटिंग करेगा।
इसलिए सेक्शन 34 आईपीसी लगाने की परिस्थितियां बनती हैं या नहीं बनती हैं, यह हर एक केस में अलग अलग देखा जाएगा। इस तरह से इस निर्णय के द्वारा यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समझाया गया है कि केवल अंधाधुंध गवाहों को लेकर आना, उनकी गवाही करवाना, यह सब उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि उन गवाहों की गवाही में क्वालिटी ज्यादा हो। संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही कारण है कि हम लोग आपको बार बार बताते हैं कि एक बेहतरीन क्रॉस के द्वारा हम प्रोसिक्यूशन एविडेंस की क्वालिटी को नष्ट कर देते हैं, उसको अच्छा नहीं रहने देते, उसके लूप होल्स को सामने लाकर रिकॉर्ड पर रख देते हैं और आप आसानी से बच जाते हैं। आप फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स हो या यंग एडवोकेट कॉलीग्स हो, हम अपने डिस्टेंस एडवोकेसी के द्वारा आपको कोर्ट केसेस में सही रास्ता दिखा सकते हैं, आपके क्रॉस एग्जामिनेशन, एप्लीकेशन, फाइलिंग आदि को तैयार कर सकते हैं, तथा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, FSL एक्सपर्ट्स, DNA रिपोर्ट्स आदि का रहस्य खोल सकते हैं। एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 91, 207 या 311 CRPC के लिए आपको रास्ता दिखा सकते हैं। हमारी हर एक वीडियो में आपके लिए कोई न कोई सफलता का सूत्र छिपा हुआ है। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.indianlegalsystem.org पर जाकर आप अपने सरल भाषा में यह सब जानकारी पा सकते हैं। हमसे व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करें, मेंबरशिप लें और सहायता पाएं। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए प्रणाम।